सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज फाइनली आज जो है नया साल है, मतलब आज जो है 1 जनवरी है भाई। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जस्ट मैं अभी सो के ही उठा हूँ, ब्रश वगैरह करके मस्त फ्रेश हो गया हूँ। और अभी सुबह उठ के मैंने क्या देखा भैया, रात को गाजर का हलवा लेकर आया था। देखो भाई ये रहा, ओ भाई क्या मस्त लग रहा है भाई। रात को भैया लेट हो गया था, वरना हम रात को ही खा लेते। मुझे पता ही नहीं कब आया, कब सो गया मेरे बगल में आके। अनिल स्वीट्स कॉर्नर से लेकर आया है। यहाँ पर देखो मम्मी भी खा रही है गाजर का हलवा। और गाइज आज के दिन ना मस्त पकौड़े सकौड़े बनने हैं, देख सकते हो पापा जहाँ पकौड़े बना रहे हैं, मजा आ जाएगा भाई आज तो। तो फटाफट हम भी थोड़ा गाजर का हलवा खा लेते हैं, फिर नहावा के रेडी हो जाएंगे। अभी नहीं नहा रहा, थोड़ा अभी ठंड लग रही है, थोड़ा जब धूप निकल जाएगी ना जब नहाऊंगा, मस्त कपड़े वगैरह पहन के अपना रेडी हो जाएंगे, गाजर का हलवा निकाल लेते हैं। तो भाई अभी देख सकते हो सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। चाय पी रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो कुछ बोल दे पब्लिक को। क्या बोलूं पब्लिक को, फोन आ गया पिकाउ नंबर 3 का। तो भाई सब मस्त अभी कंबल वंबल में लेटे हुए हैं, देख सकते हो। तो आज देखते हैं आज का क्या प्लान है। क्या हाल है हो? गाँव का हैप्पी न्यू ईयर बोला जा रहा है, बढ़िया। तो अभी तो मस्त खाना वाना बनना है, खाना वाना खा लेंगे, फिर दोपहर में कुछ सोचेंगे कि शाम को क्या करना है। भाई वैसे कहीं जाना वाना है नहीं, देखो भाई मैं सीधा सिंपल घर में ही रहूंगा, क्योंकि कहीं जाऊँ ना तो पूरी फैमिली जाती है, जब मजा आता, अकेले मुझे कहीं जाने मजा नहीं आता, बस यही है। तो देखते रहो, मजा आएगा आज के ब्लॉग में भी। तो भाई मस्त अभी जो है मैं गली में खड़ा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो आग जला रखी है कृष्णा ने। हैप्पी न्यू ईयर कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे फैंस को कुछ बोल दे। क्या बोल दो भाई? कुछ भी बोल दे। बोल तो दिया हैप्पी न्यू ईयर, बस नए दिन नए तरीके से शुरुआत करें, अच्छे दिन से किसी गरीब को कुछ खिलाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये तो भावुक हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ तो चल रहे हो? नहीं यार बजट नहीं है मेरा दुबई जाने का भी। तो भाई मजा आ रहा है बिल्कुल जैन तरीके से घूमने। मैं सोचा मैं भी दुबई से ही आ जाऊं। कौन कौन सब जने कहीं कहीं जा रहा है घूमने, मैं भी सोच रहा हूं दुबई से आ जाऊं मैं। अच्छा आ जाऊंगा। तू जा सकता है, तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। ये देखो भाई विक्की और सारे पता नहीं कहीं गए हुए थे, पापा की गाड़ी लेके देखो अभी अभी आ रहे हैं जस्ट। अच्छा बैटरी लेने गए हुए थे ये। इतना भीड़ है ना आज। हाँ। बहुत भीड़ है। तो भीड़ था तो छोड़ देता। क्यों छोड़ दूँ? अब मेरे को कटवाने थे तो कटवा के आ गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्री में बाल काट रहा हूँ, इतनी भीड़ है। कहाँ पीछे के? अरे वो ऐसे गंजे वाला नहीं कटवाया ना मैंने, मैंने नॉर्मल कटिंग कटवाया है। अच्छा। गंजे वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा कहाँ लग रहा है जो बाल तू कटवा रखा है? सब कटवा के इतने बड़े बड़े बाल कटे, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कटे। तो भाई फिलहाल बाल वाल सब कट चुके हैं, घर पर आ गया हूँ मैं और मस्त अब जा रहा हूँ नहाने। भाई कम से कम मुझे बाल कटवाने में 2 घंटे लग गए, मतलब नंबर इतनी लेट आया क्या ही बताऊँ। फिलहाल रोड वगैरह ले लेते, दोबारा पानी गर्म करेंगे और दोबारा नहाएंगे। अब मतलब नहा तो पाए नहीं था मैं, पानी गर्म करते हैं। दिख भी नहीं रहे वो दोनों, घर में कोई भी नहीं है, अकेला मतलब कोई भी नहीं, मतलब घर खाली है बिल्कुल। चलो भाई फटाफट नहा लेते हैं, नहा भागे कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं, और हेयर वगैरह जो मैंने सेट कर लिए हैं, जैसे वहाँ कटे थे वैसे सेट नहीं हुए, पर ठीक लग रहे हैं भाई। अभी आज कटे हैं ना, 2-3 दिन बाद सेट होते हैं बाल कटने के बाद। जिस दिन कटवाओ ना उस दिन तो आदमी ऐसी भोंदू सा लगता है। बात तो सही है। ये सबको ही पता है भाई, उसके 2-3 दिन बाद बाल सेट हो जाते हैं खुद ही, जैसे मर्जी काट लो अच्छे लगते हैं। ये जा रहा अभी नहाने, मैंने तो नहा लिया है अभी, यहाँ पर ये बोर्ड सही करा है, तो जब जाके आरओ चला, सुबह से आरओ भी नहीं चल पा रहा था, जस्ट अभी आरओ चलाया। देखो पानी भी इतना भर गया, अब पानी में नहा आके रेडी हो चुके हैं, चलेंगे छत पर थोड़ा कबूतरों को भी देखते हैं। उससे पहले थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, और खाना छत पे ही लेके जा रहा हूँ मैं, कबूतर वगैरह खोल दूंगा और खाना भी खाता रहूंगा। सो गाइस तो अभी जो है मैं छत पर आया हुआ था और डेली की तरह कबूतरों को दाना वाना दे रहा था। तो ये देख सकते हो मस्त कबूतर खुले हुए हैं, और मौसम देख सकते हो भाई कितना ही गजब हुआ पड़ा भाई, पूरा उधर ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है भाई, देखो सनसेट हुआ पड़ा है, बड़ा ही प्यारा। फिलहाल यहाँ पर गौरी आया हुआ है देख सकते हो, अभी गौरव के साथ मंदिर जाना भाई, मरघट वाले बाबा का मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर जाना भाई। क्या नया साल है ना, तो हम सुबह तो जा नहीं पाए, पर हम सोचे शाम को चले जाए, कभी कबूतर वबूतर बंद करके चलते हैं सीधा मंदिर और बाबा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो भाई अभी जो है मैं छत पे से नीचे आ गया हूँ, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मरघट वाले बाबा के मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो फिलहाल ये देखो रेडी हो गया ये भी बढ़िया तरीके से, मैंने भी ट्रैक सूट वगैरह पहन लिया है। तो फटाफट चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और बाबा के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे वैसे फोटो वोटो या फोन ले जाना अलाउड नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो यार दूर से ही दिखा दूंगा। चलो कचौड़ी पचौड़ी भी खाएंगे भाई, गरम गरम मजा आ जाएगा। महंगी चालू की दो देते, छोटी छोटी। सही बता इतनी महंगी कर दी है, कपड़ा
कपड़ा ही तो ढूंढ रहा हूँ। बीजेपी के गले मुंह लगा पूछ रहा है। जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो फाइनली भाई अभी जो हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने का व्यू देख सकते हो काफी चहल पहल है यहाँ पर। ये लो भाई हम लोग अंदर आ गए और ये अंदर का व्यू है। अभी तो गौरव यहाँ पे ये भी लगा दिया उन्होंने लाइट वगैरह तिरंगे वाली। जय हो शनि महाराज। तो भाई आज नया साल है इसलिए हम लोग आए हैं। नए साल वाले दिन सुबह टाइम नहीं मिला इसलिए अब शाम को आए हैं। गौरव ले आया वरना मैं आ नहीं पाता, वरना मैं तो उस दिन ही आता हूँ, मंगलवार को आता आता। तो फटाफट चलते हैं दर्शन करते हैं। भाई मस्त दर्शन करने के बाद भाई कचौड़ी वचौड़ी खा रहे हैं मैं और गौरव। देख सकते हो मेरी कचौड़ी मेरी और गौरव यहाँ पे तोड़ रहा है। बहुत फेमस कचौड़ी है यहाँ की, काफी भीड़ है भाई देखो। तो फटाफट खाते हैं और चलते हैं घर की साइड। क्या क्या बचा रखा है मेरे लिए? तू खा लिया सूरज। ओ भाई साहब सामान रखा हुआ है न्यू ईयर के लिए, घर वाले लेकर आए, फटाफट खा लेते हैं। और हालत इतनी बुरी हो गई ना, इतनी मट्टी उड़ रही है भाई, कपड़े देखो यार, ये तो झाड़ लिया मैंने। नहीं रोड वोड बन रहे ना, हाईवे वगैरह बनने हमारे घर की साइड से, तो इतनी मट्टी उड़ रही है क्या ही बताऊं भाई। फिलहाल खाना वाना तो खाऊंगा नहीं भाई, मैं यही खा के सो जाऊंगा क्योंकि पेट भर रहा है। वहाँ पे कचौड़ी वचौड़ी भी खा ली थी ना, निकाल लेता हूँ। तो भाई मस्त मोमोज और रोल रखे हुए थे मेरे लिए, तो निकाल लिए मैंने फटाफट। तो फटाफट खा लेते हैं और फिर खावा के आपसे मिलते हैं। तो बैग बुक कहाँ लेके गया हुआ था? कौन सा सामान इतनी रात को आ रहा खाने का? इसमें कौन सा खाने का सामान है? तो भाई फाइनली खावा के मैं भी नीचे आ चुका हूँ और अभी जो है बिस्तर भी लग चुका है। और एक चीज है भाई, जो हमारी रिंग लाइट लगी रहती थी ना यहाँ पर, वो भाई खराब हो गई पता नहीं कैसे, और विक्की ने यहाँ पर पर्दा लगा दिया। खराब कैसे हो गई रिंग लाइट? कैसे क्या हो गई अपने आप? और पर्दा अंदर क्यों लगा दिए? तो वही तो मैं वीडियो बनाने जा रहा था, रील जलाया साला, जली नहीं रहा पूरा, चेक कर लिया खोल खाल के। भाई रील बनाने जा रहा था जब पता नहीं जली नहीं है, सुबह तो मैंने जलाई थी तब तो जल रही थी। सो कोई नहीं, तो आज का न्यू ईयर भी ऐसे चला गया, साल का पहला दिन भी ऐसे ही निकल गया घूमने फिरने में, इधर उधर काम वाम करने में घर का। फिलहाल तो आज के व्लॉग में बस यही था। अगर जो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।